गाइस वेलकम बैक आई दीपू व्लॉग। आज से जुड़ी मैं बात करूँगा कि कल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मैच हुआ था वो क्यों कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और पाकिस्तान की बॉलिंग कल बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई। शदाब इतना बढ़ा है, शाहीन इतना बढ़ा, नसीम की चलो फिर भी एवरेज की दिया, हारिस की एवरेज की दी, बाकी तो पिट रहे थे लोग। सही है, और बात करेंगे कि आज का पूरा मैच हो पाएगा क्या, और आज की क्या कोलंबो की वेदर अपडेट मेरे पास जो आ रही है वो क्या है। कल मैं और वीडियो लेने मैं गया था, क्योंकि मैं गया था कल काम से बाहर, मैं अब जाने के लिए गया था, वहीं पर मैं दिख रहा था इवेंट का मेरा। तो कल जो मेरे पास पहले अपडेट आ रही है वो यही आ रही है कि कल जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच इसलिए नहीं हो गया था क्योंकि बारिश हो गई थी। मगर अगर आपने 2 सितंबर को देखा होगा तो बारिश 1 इनिंग के बाद हुई थी, और जो कल हुई है वो 24 ओवर ऑलमोस्ट 25 ओवर होने वाले थे, जब हो गया आधी इनिंग्स में इंडिया की बारिश हुई और बहुत तेज़, लिटरली बहुत तेज़ बारिश हुई थी। अचानक से 10 मिनट के लिए तो कोलंबो स्टेडियम तूफान आ गया था। जब अंपायर्स ने 2-3 घंटे का ब्रेक लिया, उन्होंने ये नहीं बोला था कि कॉल्ड ऑफ ड्यूटी रेन की वजह से इसको कल कराया जाएगा पोस्टपोन। जब भी उम्मीद थी उनकी, हमें उम्मीद थी कि मैच ज़रूर होगा, चाहे 20 ओवर का कितने ओवर का भी हो, मगर होगा ज़रूर। मगर एम्पायर ने भी अपडेट ये दी थी 8 बजे के 9 बजे मैच को शुरू करवाया जाएगा, क्योंकि वरना अभी मैच शुरू करवाया था 8:30 पे, वो उसको 9 बजे इसलिए कर दिया था क्योंकि जो बॉलिंग का रनर, मतलब जो बॉलिंग का टाइम होता है ना, जहाँ पे भागने का, जब बॉलर्स भाग के बॉल करवाते हैं, वो मेन चीज़ होती है। वहाँ पे पिच, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा गीला हो रहा था और वहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो उसको सुखाने में 1 घंटा लगता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गीला हो गया, तो पंखे लाए गए थे, फ़ैन लाए गए थे, जिसकी वजह से उसको सुखाया गया। अंपायर ने बोला 1 घंटे में मैच स्टार्ट कर दिया जाएगा। ओवर, मतलब ओवर कम होना शुरू हो गए थे, डिटेक्ट करना अंपायर ने शुरू कर दिया, तो वो नहीं बताया था कितने ओवर का मैच होगा। अगर आज 20 वो आपको बाद में होगा, मगर ये नहीं बताया कितने ओवर का मैच होगा। मगर अचानक से बारिश वापस शुरू हो गई, तो फिर अंपायर ने बोला कि भाई अब मैच नहीं हो रहा, कल हो जाएगी मैच, तो फिर उसको पोस्टपोन करके आज मैच होगा। अभी जो टाइम हो रहा है आपके लिए ब्लॉग जो बना रहा हूँ, वो बना रहा हूँ 12:30 12:18 पे, अभी तकरीबन 2 से 2.5 घंटे बाद। और अभी कोलंबो के वेदर को, अभी जो वेदर है वहाँ पे क्या सीन है भाई, अभी तो बारिश नहीं हो रही, तकरीबन 2 घंटे से बारिश नहीं हो रही है, 2 घंटे तो बारिश कुछ भी नहीं हो रही, वरना सुबह हो रही थी और तेज़ हो रही थी मैं जो मतलब समझ रही थी, मगर 2 घंटे से बारिश नहीं हो रही है। मगर अभी मुझे पता चला है कि कुछ आधे घंटे पहले बादल ज़रूर आ रहे हैं बारिश के, जैसे ऐसे लग रहा है कि बारिश होने वाली है क्योंकि बादल आ रहे हैं, ये बादल ज़रूर आ रहे हैं। मगर ये बताया गया है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच की टाइमिंग 2:30 की है, इंडिया के वक्त के मुताबिक 3 बजे मैच शुरू होगा और पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 2:30 शुरू होगा, वहीं से होगा जहाँ से रुका गया था। सही है, और बादल आ रहा है मैच के लिए, मगर जो बारिश का बताया गया है वो ये बताया गया है कि 2:30 बजे में मैच शुरू होगा, तो 2 बजे से लेके 3 बजे तक बारिश के इम्कान ज़रूर है। यस, 2 बजे बारिश होगी, यकीनन होगी, और बहुत तेज़ होगी, चांसेस आ रहे हैं। मैं तो वेदर भी देख रहा हूँ, मुझे बता भी नहीं, मतलब लोग बोल रहे हैं मैंने 2 बजे नहीं आएगी, और मुझे अपडेट भी आ रही है, तो 2 बजे से लेकर 3 बजे तक बारिश है। मगर बस 3 बजे तक, उसके बाद 4 बजे बारिश नहीं आ रही है, 4-5 बजे बारिश नहीं, सही है, 4 और 5 बजे बारिश नहीं है, 6 बजे बिल्कुल थोड़ी सी 20-30% चांसेस आएंगे, और 7 बजे पर समझ लो 20-30% चांसेस आएंगे, उसके बाद 8 बजे से लेके 12 बजे तक बारिश है। मगर अगर वेदर का देख लो, मतलब अब गूगल में जाके देख लो, तो गूगल 100% गलत होता है यार, गूगल गलत होता है, क्योंकि जब मैंने कल लाल सो देख के सोया कि क्या सुबह का अपडेट है 10 बजे का, तो उधर बारिश नहीं बताए थे, बिल्कुल बारिश बताए थे, बिल्कुल धूप बताए थे, यार सुबह बहुत तेज़ बारिश हुई है कोलंबो में, बहुत तेज़ ज़्यादा बारिश हुई है, तो गलत बताया उसने। मगर अगर देखा जाए तो गूगल भी ये बता रहा है, गूगल तो यही बता रहा है कि 1 बजे बारिश 90% है, और वो रात के 12 बजे जाएगी, मगर जो बीच में 4 बजे से 7 बजे तक वो गैप आएगा। मगर जो मेरे पास अपडेट आ रही है वो यही आ रही है कि अभी तो बारिश नहीं हो रही है, 2 बजे से 3 बजे तक बारिश है, फिर 4 बजे 5 बजे 7 बजे 6-7 बजे उधर बारिश है, मतलब 4-5-6-7 4 घंटे आपके पास, 4 घंटे में कितने ओवर कर लेंगे, अगर आप करोगे तो मेरे ख्याल में 30 ओवर होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, 30 से 35, क्योंकि इंडिया की बैटिंग होगी 50 ओवर की, इंडिया के अभी 26 ओवर डलने हैं,
25 ही कर लो, अगर 25 डल लें 75 ओवर का मैच होना है। तो मेरे ख्याल में तो ये चीज़ होने वाली है। मगर जो कल प्लेइंग 11 हुई थी, मैंने पूछा था नवाज खेलेंगे, नवाज नहीं खेले जनाब, फहीम अशरफ को खिलाया गया, पता नहीं क्यों क्या हुआ था मुझे, मुझे तो नवाज को पता चलता है नवाज खेलेंगे, मगर फहीम अशरफ खेल रहे हैं। और हमारी बॉलिंग की बात की जाए तो बॉलिंग बहुत ज़्यादा घटिया, मतलब मैं क्या बोलूँ, हमारे बॉलर्स को शाहीन से दिन उम्मीद थी कि पहले ओवर में एक विकेट निकलेगी मुझे पक्का पता था, मगर निकली, चलो मैंने बोला चलो कभी हो जाता है, नहीं निकलती नुकसान। हम लोग इतना पिटे शाहीन की बॉलिंग अच्छी नहीं थी, शदाब तो मतलब T20 में भी इतना विकेट नहीं खाता, शदाब ने इतना खाए मगर उसे कम बैक कर लिया था। शदाब और शाहीन तो बहुत पिटे, लिटरली बहुत पिटे। चलो हारिस और नसीम का अगर आप देखो तो उनका एवरेज एवरेज था, ना ज़्यादा पिटे थे ना कम, ना ज़्यादा खाए थे, मगर नसीम की बॉल थी जो हो रही, मगर शाहीन ने क्या ड्रॉप किया, और एक चाचा और शदाब ने रनी और रिजवान थे, वो वाला सीन हो गया जो आप खड़े हो और कैच ड्रॉप कर रहे हो भाई, इतना हाथों का क्या जब छोड़ो लिटरली भाई, मतलब तीन बल्ला गए हैं, एक विकेट ही पकड़ी तो सही है, दो स्लिप कले वालों, वो सोच रहा है कि वो पकड़ेगा, वो सोच रहा है वो पकड़ेगा, वो सोच रहा है वो पकड़ेगा, और ऐसे तीनों के दोनों के बीच में से यार वो चौका मिल गया, चौका चल गया जनाब। मगर देखा जाए फहीम की बॉलिंग भी सही थी, इतनी गंदी भी नहीं थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैच नहीं हो पाएगा गाइस, बहुत मुश्किल है, होगा तो 20-25 ओवर का होगा, अगर 20 ओवर का मैच होता है, अगर पाकिस्तान 20 ओवर बैटिंग करता है तो उसको 181 का टारगेट मिलेगा, जो कि बहुत मुश्किल टारगेट होने वाला है। एक बार पाकिस्तान को ये टारगेट मिलेगा, पाकिस्तान ने चीज किया था मगर बहुत मुश्किल से देखा, और ओडिया मतलब आपके पास मतलब प्लेयर्स भी नासिफ अली ने हुसैन भी खेले थे, इमाम खेल रहे, अब्दुल वाहिद फखर खेल रहे, चलो बन सकते हैं, मगर मैं आई होप कि पूरे 50 ओवर का मैच हो। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू फॉर माय वीडियो।